इस अवस्था के अंदर जो सिराएं होती है पत्तियों की वो हरे रंग की दिखाई देती है तथा पौधों के सिराओं के बीच का ही जो क्षेत्र है वो पीला दिखाई देता है। अगर आप इसको येलो मोजाइक डिजीज से अलग करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि सिराएं भी येलो मोजाइक डिजीज में पीली पड़ती हैं तथा सिराएं थोड़ी नीचे की स्तर पे आप सिराएं देखेंगे तो थोड़ी फूल जाती हैं। इसी प्रकार एक और कारण है, वह है अधिक वर्षा। जब सोयाबीन में अधिक वर्षा से जल भराव आ जाता है तो जल भराव की स्थिति के अंदर सोयाबीन के अंदर पीलेपन स्टार्ट हो जाता है। उसको आप दूसरों से आराम से अलग पाए जाएंगे क्योंकि यह अवस्था सोयाबीन में लगभग 60 से 65 70 दिन के आसपास में होती है, जबकि येलो मोजाइक वायरस आपको 30 दिन से ही दिखना स्टार्ट हो जाता है और कैल्शियम इंड्यूस्ड आयरन डेफिशिएंसी भी लगभग 20 से 25 दिन के आसपास में दिखना स्टार्ट हो जाती है। जब जल भराव होगा तो आप पौधों को उखाड़ के देखेंगे तो पौधों पे वायवीय जड़ आपको तने के ऊपर दिखाई देगी। तने के ऊपर छोटे 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 बिंदु के ऊपर वायवीय जड़ें बाहर निकलती हुई आपको दिखाई देंगी तथा ऊपर की जो पत्तियां हैं पौधों की उसके अंदर पीलापन पत्तियों के टिप से स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। यह चार मुख्य पीलापन का कारण सोयाबीन में है। कैल्शियम इंड्यूस्ड आयरन डेफिशिएंसी के लिए किसान भाइयों को मेरी सलाह है कि इस अवस्था में घबराएं नहीं। जैसे ही बारिश होगी वैसे ही धीरे धीरे पौधा रिकवर कर जाएगा। इसके अलावा जल भराव की स्थिति से नियंत्रण करने के लिए सबसे बढ़िया जो मेरी किसान भाइयों को सलाह है कि समतलीकरण करें अपने खेत का। उसके बाद में जो बोनी है वो BVF या रिज फर्रो पद्धति से करें जिससे कि आपके नालियां बने और नालियों के अंदर अधिक पानी बहकर निकल जाए खेत से। उसके अलावा अगर यह समस्या आप किसान भाइयों को है तो जल्दी से जल्दी पानी के निकालने की व्यवस्था करें तथा एक एप्लीकेशन के अंदर पौधों को पोषक तत्वों की इस अवस्था में कमी आ जाती है तो पौधों को पोषक तत्वों का एक छिड़काव करें। धन्यवाद।